सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार नमस्कार। मेरा नाम है महेंद्र बिष्ट और स्वागत है सभी का मेरे नए ब्लॉग में। तो अभी सुबह के 8 बज चुके हैं और नाश्ता वास्ता हो चुका है। मम्मी चलेगी खेत, क्योंकि आज खेत में बोया हुआ मंडुआ, तो मम्मी खेत मतलब गुलाब निकाल करने के लिए गई हुई है और मुझे करना है घर के बाकी काम। तो पहले जो हमारा ये पुराना घर है, उसके पीछे जो होता है पुलिंदा होता है, उसके पीछे हो रखी है घास हो रखी है, बिच्छू घास हो रखी है, उसको साफ करना है पहले मुझे। फिर उसके बाद घर के जो बाकी काम होते हैं करने, तो पहले वो साफ करते हैं, तब मिलते हैं आपको। कोलिंदा वाला दो घरों के बीच में जो हो बीच वाला भाग होता है उसको बोलते कोलिंदा। इसको हमें साफ करना है। ये बिच्छू घास हो रखी है बहुत सारी, और पीछे तो मतलब बहुत सारी घास हो रखी है, यहाँ तक हमें पूरा साफ करना है, वो वहाँ तक हमें पूरा साफ करना है। तो अभी शुरू करते हैं। और ये मन्नी ये भी आ रखा है सफाई करने के लिए, साफ मैं भी करूँगा। क्या चीज़ घड़ी से ये क्यों ऐसा खुलता? देख खुलता तो ऐसा है। हुआ हाय कर देते एक बार। हाय हाय कैसे करते हैं मन्नी? हाय कर देते। हाय कैसे करते फोन देखना पहले। हाय गाइस। हाय गाइस। हाय गाइस। कैसे हो गाइस? कैसे हो गाइस? हम बढ़िया, आप कैसे हो? हम बढ़िया, आप कैसे हो? एकदम मस्त हैं। एकदम मस्त हैं। और खाना खा लिया आपने? खाना खा लिया हमने। तेरा ध्यान फोन पे है कि तेरा ध्यान घड़ी पे है? ऐसे खुलता? खोल ना, खोल ले। नहीं खुल सकता ऐसे। नहीं खुल रहा? नहीं। अरे चल कोई बात नहीं, ठीक है बैठना, ठीक है तू वहाँ बैठेगा, हमें सफाई करेंगे पूरा, ठीक है? ऐसे वहाँ तक पूरा सफाई करेंगे हैं। हम तो करेंगे सफाई यहाँ से कोल्यूर तक। कहाँ से? यहाँ से वहाँ तक। वहाँ तक? हाँ। ये क्या है? सुखो कनाली। क्या है ये? कनाली। कनाली हाल है? इस पर हाल लगा दो। ये ले लगा दिया।
बिच्छू घास बोलते हैं वो, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बिच्छू घास। और गांव में क्या बोलते हैं? गांव में गांव में क्या बोलते हैं? कनाली। कनाली। हाँ लगती है ना हाथ पे है? हाँ मैं फोन अपना नाक साफ कर रहे हैं। बोला ऐसा फोन पकड़ लंबो लंबो को नहीं धड़ा। गाँव में आजकल तो अभी आप खाना बनाने का टाइम हो गया है, खाना ना बनाते हैं क्योंकि मम्मी लोग खेत से आने वाले होंगे। खाना बनाते फिर मिलते हैं आपसे बाद में। ये चावल निकाल दिए मैंने, दो आदमी के लिए इतना बहुत है कि दो आदमी थोड़ा ही खाते हैं। पहले अच्छे से धोते हैं, कुछ चढ़ाते हैं चूल्हे पर। तो मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, आप दाल बनाना बाकी रह गया। तो आप पहले प्याज टमाटर काट दाल के लिए, फिर दाल दाल रखते हैं। और यह रहा हमारा किचन, हमारा किचन है। और मैंने वहाँ पर चावल चढ़ा दिए हैं और यहाँ पे गैस पर चढ़ाएंगे हम दाल। तो फिर दाल बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपके बाद में। दोस्तों धूप इतनी हो रही है आजकल, और इतनी धूप में खेतों में काम करना आजकल बहुत मुश्किल होता है पहाड़ों में। ये देखिए पूरी इतनी धूप हो रही है, इतनी तेज़ धूप लगी हुई है आज। और पहाड़ के लोग इतनी धूप में, इतनी तेज़ धूप में काम करते हैं, तभी तो बोलते हैं पहाड़ में घर किसी के बस के नहीं है काम करना। तो तब तक खाना बनाते हैं मम्मी के आने तक। दोस्तों अभी हमारा खाना रेडी है और सफाई भी हो चुकी है। तो थोड़ा अब मम्मी का वेट करते हैं, तब तक मम्मी के लिए जूस बनाते हैं।
दोस्तों हमारा जूस रेडी है, मम्मी आई तो मम्मी को दिखा हुआ है जूस। तब तक इसको देते हैं फ्रिज में, हमारा शायद दाल भी बन गया है, चावल भी रेडी है। तो अभी खाना हमारा सब रेडी है और मम्मी भी आ चुकी है, तो अब खाना खाते हैं, तो मिलते हैं आपको बाद में। तो अभी शाम के 4 बज चुके हैं और मैं खाना खाने के बाद तब से सो गया था, उसके बाद अभी उठ रहा हूँ। तो मम्मी उसके बाद तो चाय पी के मम्मी खेत चले गए फिर दोबारा शाम के टाइम पे, तो अभी चाय पीते हैं फिर जाना हमें जहाँ गौशाला साइड जाना पड़ता है, गौशाला के साइड। तो पहले चाय पीते हैं, तो चलते हैं अपनी गौशाला के साइड। और ये रही हमारी चाय, चाय मम्मी ने बना रखी है, मैं थोड़ा तो सोया हुआ था, तो मम्मी चाय पी के चले गई खेत, चाय पीते हैं फिर चलते हैं गौशाला के साइड। तो आज के वीडियो में इतना ही था, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलता है अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।